बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये एक स्पेशल वीडियो है और एक स्पेशल टॉपिक पे बनाई गई है, जो उस टॉपिक का नाम है UBL फर्स्ट माइनर सेविंग अकाउंट। दोस्तों, ये अकाउंट उन बच्चों के लिए है जो कि अभी अंडर 18 हैं, यानी कि नाबालिग हैं। और कुछ वालदैन, बल्कि अक्सर कह दें कि वालदैन की सोच होती है और उन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट, कुछ पैसे जमा कर रखे होते हैं कि इनकी तालीम के लिए, इनके फ्यूचर के लिए काम आएंगे, तो वो घर में नहीं रख सकते। तो इस चीज़ को देखते हुए UBL ने एक अकाउंट ओपन किया है और शुरू किया है UBL फर्स्ट माइनर सेविंग अकाउंट। आप बच्चे का अकाउंट जाके बैंक में खुलवा सकते हैं, वालदा या वालिद उसके साथ उसका गार्डियन बन सकता है और उसके साथ उसका अकाउंट ओपन हो सकता है। बेहतरीन अकाउंट है, बेहतरीन, ज़बरदस्त, जो है ना, क्या बात है इस अकाउंट की। तो चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ। UBL फर्स्ट माइनर सेविंग अकाउंट। UBL फर्स्ट इज़ अ सेविंग अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ ए चाइल्ड इन द नेम ऑफ द फादर और मदर आर रिकॉर्ड अपॉइंटेड गार्डियन एट द माइनर। उस बच्चे का अकाउंट या वालदा या वालिद के साथ खुल सकता है, या खुदा न खासा वालिद या वालदा की डेथ हो गई है और उसका कोई गार्डियन नहीं रहा, तो जिसको कोर्ट अपॉइंट करेगा, जानशीनी सर्टिफिकेट जैसे मिल जाए इसका जानशीन है या उसका गार्डियन, तो उसके साथ अकाउंट खुल सकता है। UBL फर्स्ट इज़ डिज़ाइन स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड एम्स एट बिकमिंग एवरी चाइल्ड्स फर्स्ट बैंक अकाउंट, हेल्पिंग इनकल्केट अ सेविंग हैबिट्स। इट इज़ टेलर्ड टू मीट चाइल्ड फ्यूचर फाइनेंशियल नीड इन ए प्लान्ड एंड कन्वीनियंट मैनर। वही बात आ गई दोस्तों जो मैंने आपको बताई है कि फ्यूचर के लिए जो वालदैन ने जमा पैसे किए होते हैं तो वो चाहते हैं कि हम इसको कहीं फिक्स कर दें। तो ये एक सेविंग अकाउंट है, एक तो बच्चे के पैसे फिक्स हो जाएंगे और उसके ऊपर बैंक आपको प्रॉफिट भी देगा, ज़बरदस्त। तो इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसके फीचर ये है, एवरी अकाउंट होल्डर इज़ एंटाइटल्ड टू अ वेलकम पैक। इसका मतलब ये है कि जब अकाउंट खुलता है तो आपके एड्रेस पर एक वेलकम पैक बैंक भेजेगा, जिसमें लेटर ऑफ थैंक्स होगा, इसमें चेकबुक, ATM कार्ड्स होंगे, वो आपके एड्रेस पर डिलीवर होगा। नंबर सेकंड, टू वीज़ा ATM डेबिट कार्ड्स आर प्रोवाइडेड। दो आपको ATM कार्ड, वीज़ा कार्ड बैंक की तरफ से मिलेंगे। वन इज़ अ स्पेशली डिज़ाइंड UBL फर्स्ट पॉकेट मनी कार्ड कम्प्लीमेंट्री फॉर द विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द लिंक्ड अकाउंट। एक ATM कार्ड वो होगा जो आप के जो पैसे फिक्स होंगे, जो सेविंग अकाउंट है, जो उसका मंथली या ईयरली या सेमी एनुअली आपको प्रॉफिट क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, जो अकाउंट प्रॉफिट के साथ लिंक हो रहा है उसका ATM आपको बैंक देगा। अगर आप प्रॉफिट विड्रॉ करना चाहें तो आप उस ATM से विड्रॉ कर सकते हैं। द अदर इज़ अ स्टैंडर्ड UBL वॉलेट वीज़ा डेबिट कार्ड ऑप्शनल, दिस अलाउज यू टू विड्रॉल मनी फ्रॉम द प्रिंसिपल अकाउंट। दूसरा कार्ड वो होगा वॉलेट वीज़ा डेबिट कार्ड, जिससे आप एक्चुअल अमाउंट जो आपके अक्सल फिक्स है उसमें से अगर कुछ विड्रॉ करना चाहें तो उसका ATM आपको इशू होगा। समझ आई इस पॉइंट की? दो ATM कार्ड इशू होंगे, एक से आप प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं और एक वो ATM होगा जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि आपकी एक्चुअल अपनी अमाउंट फिक्स पड़ी है, वो अगर विड्रॉ करना चाहें तो उस ATM से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंट ओपनिंग बर्थडे एंड अकाउंट एनिवर्सरी सरप्राइजेस, कि जब बच्चे का बर्थडे आएगा या जिस दिन अकाउंट खुला था और उसकी नेक्स्ट ईयर जो उसकी एनिवर्सरी डेट आएगी उसके ऊपर एक सरप्राइज गिफ्ट आपको बैंक देगा। नंबर फोर है फ्री ई स्टेटमेंट। ई स्टेटमेंट आपको फ्री मिलेगी, आपके मेल एड्रेस पे आएगी या आपको ईमेल मिलेगी या आपके होम एड्रेस पे मिलेगी। द अकाउंट होल्डर इज एंटाइटल्ड टू वैल्यू एडेड सर्विसेज दैट इंक्लूड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़। इस अकाउंट में भी बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहा है, जो कि उसका गार्डियन, जो कि उसका जानशीन है, मदर, वालिद या को जो कोर्ट ने अपॉइंट किया वो उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी सारी ट्रांजेक्शन इंटरनेट बैंकिंग थ्रू भी मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नो मिनिमम बैलेंस पेनल्टी लीव इट ऑन द अकाउंट। इस अकाउंट पे मिनिमम बैलेंस की भी कोई पेनल्टी नहीं होगी। लेट्स सपोज के 5 लाख रुपए आपने रखे और कुछ वक्त बाद आपने पेमेंट निकाल ली और आपका बैलेंस ज़ीरो हो गया, तो उसके ऊपर बैंक की कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। रूल्स ऑफ द अकाउंट, UBL फर्स्ट अकाउंट कैन बी ओपन फॉर एनी चाइल्ड एजेड बिटवीन 1 डे एंड 18 ईयर। ये अकाउंट उस बच्चे का खुल सकता है जो कि आज पैदा हुआ है, एक दिन का है या 18 साल से कम है, ये उसका ओपन हो सकता है। 18 साल से ऊपर वाले का ये अकाउंट नहीं खुल सकता। UBL फर्स्ट अकाउंट कैन बी ओपन विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ PKR 100, देयर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कम से कम अकाउंट खोलते वक्त आपको 100 रुपीज़ इसमें जमा करने पड़ेंगे, जो कि कह देंगे अकाउंट ओपनिंग की फ़ी है, ठीक है। और नो लिमिट और मैक्सिमम अमाउंट, जो इसमें जितनी भी आप जमा करना चाहें इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम पैसे इसमें जमा कर सकते हैं।
Next point is the checkbook for the principal amount and the pocket money card will be issued jointly in the name of minor and the father, mother, guardian. जो कि आपको चेकबुक और एटीएम कार्ड दो इशू होंगे वो वालिद वालदा या बच्चे के नाम पे इशू होंगे. द यूबीएल फर्स्ट पॉकेट मनी कार्ड कैन बी यूज टू एक्सेस द मंथली प्रॉफिट इन कैश फ्रॉम एनी एटीएम मशीन और टू बी यूज फॉर शॉपिंग और रिटेल आउटलेट. जो कि आपको फर्स्ट पॉकेट मनी एटीएम कार्ड इशू होगा वो आप प्रॉफिट निकालने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बैंक की एटीएम से और या शॉपिंग मॉल से या कहीं से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं. द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन यूज़ ऑफ डेबिट कार्ड्स विल बी अवेलेबल वंस रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हैव बीन ड्यूली कंप्लीटेड. द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन यूज़ ऑफ डेबिट कार्ड विल बी अवेलेबल वंस रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या बैंक अकाउंट जो आपने ओपन किया फर्स्ट मैन अकाउंट उसका प्रोसेस कम्प्लीट होगा तो एटीएम कार्ड्स आपको इशू हो जाएंगे. प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस. इसका भी एक प्रॉफिट मंथली ही कैलकुलेट होगा और मंथली ही अकाउंट में क्रेडिट होगा. आखिरी पॉइंट है डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशन कैन बी व्यूड इन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म. मज़ीद भी अगर आप कोई क्लैरिटी चाहते हैं या मज़ीद भी इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो जब आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा फर्स्ट माइनर अकाउंट का आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. तो दोस्तों ये आपके लिए मैं अकाउंट ले आया था फर्स्ट माइनर अकाउंट नाबालिग बच्चों के लिए अकाउंट. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि ये इसमें काफ़ी जो है ना इंफॉर्मेटिव ये वीडियो थी और इसमें काफ़ी नॉलेज था बच्चों के लिए अकाउंट के हवाले से. तो मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मैं वीडियो जो मेहनत करके बना रहा हूँ और आप व्यूअर्स के लिए कि आपको बैंकिंग के हवाले से वन टू ऑल हर चीज़ का पता हो, हर नॉलेज हो आपके पास, तो आपको बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा. इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, वो भी इस तरह ही इंफॉर्मेटिव होगी और इंटरेस्टेड होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.